हेलो गाइस, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रजनी ओगरे ऑफिशियल में। और आज मैं बना रही हूँ कटहल की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कटहल को काट के रख लिया है। अब इसे उबालेंगे तो कटहल को डालेंगे, और यहाँ पर मैं आलू भी डाल रही हूँ क्योंकि आलू डालने से कटहल की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। तो हमने कटहल को उबाल लिया है, अब इसे निकाल लेंगे। एक बर्तन में निकाल लेंगे इसको, और उसका जो पानी है उसको फेंक देंगे। अब इसे फ्राई करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ली हूँ 4 से 5 चम्मच तेल। उसमें मैं डाल रही हूँ सरसों के दाने, जीरा और प्याज। प्याज को थोड़ा भून लेंगे। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी लहसुन। 8 से 10 लहसुन के टुकड़े हैं, इसको इसमें डाल लेंगे और प्याज को अच्छे से ब्राउन कलर होने तक भून लेंगे। फिर हम इसमें कटहल को डालेंगे और अच्छे से इसको पकाएंगे। तो ढक के इसे अच्छे से 10 से 15 मिनट के लिए इसको पकाना है, और बीच बीच में इसको खोल के चलाते रहना है ताकि हमारा जो ये कटहल की सब्जी है अच्छे से पक जाए और कढ़ाई में चिपके भी ना। इसमें मैं एक टमाटर भी डाल रही हूँ जिसे मैंने काट के पहले से रखा हुआ है। तो टमाटर डालेंगे और अच्छे से इसको भून लेंगे 2-3 मिनट के लिए। अब इसमें हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक और अच्छे से इसको मिलाएंगे। नमक डाल के हम फिर डालेंगे हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और खत्री मसाला। इन सभी मसालों को ऐड करेंगे और अच्छे से इसको मिला लेंगे। इस सब्जी को मैं सूखा बना रही हूँ इसलिए हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा मैं इसमें पानी छिड़कूँगी। बस थोड़ा सा ही पानी इसमें छिड़कना है। थोड़ा सा पानी डाल ली हूँ, अब इसे अच्छे से मिला लेंगे और ढक के 2-3 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। हमारा ये कटहल की सब्जी अब तैयार है। तो देखिए इस तरीके से कटहल की सब्जी को बनाते हैं, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना, कैसा लगा है कमेंट पे ज़रूर बताना। उम्मीद करती हूँ मेरा ये आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।